हेलो एवरीवन, चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है मैं इस मिनी लाइट का जो है टियर डाउन करके बताने वाला हूं। और फ्रेंड्स, आपको एक बात और बता देता हूं कि मैंने इसका फुल डिटेल रिव्यू जो है अपने पिछली वीडियो में अपलोड किया हुआ है, तो जरूर से एक बार चेकआउट करना। उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार से जरूर से चेकआउट करना, उस वीडियो को भी देखना, और आपको अंदाजा लग जाएगा या फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको जो है ये लाइट परचेस करना चाहिए कि नहीं परचेस करना चाहिए। तो चलो फिलहाल आज के इस वीडियो में जो आपको यहाँ पर इसका टियर डाउन करके दिखाने वाला हूँ, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में आपको में बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पर आपको इस लाइट में जो किसी भी तरीके का कोई भी स्क्रू देखने को नहीं मिलता है। मैंने चेक कर लिया, कोई भी स्क्रू इसके अंदर है नहीं। तो इसको ओपन करने के लिए मैं यहां पर एक कटर का उपयोग कर रहा हूं। अगर आपके पास ऐसा कटर नहीं है तो आप चाहो तो स्क्रू ड्राइवर का भी यूज कर सकते हो, छोटे वाले। नहीं तो आप बड़े वाले का यूज करोगे तो भाई टूट जाएगा ऑफ कोर्स। और चलो इसको ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने ओपन कर दिया है, लेकिन आपको बता दूं यहाँ पर यार कोई भी यहाँ पर लॉकिंग सिस्टम भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर जो है जस्ट इसको जो है चिपका दिया था दूसरे के साथ में, दूसरे वाली पीस के साथ में जो इसको चिपका दिया था, इसकी वजह से भाई ये ओपन नहीं हो रहा था। तो भाई इसमें जो है जितना लॉकिंग सिस्टम है ना, ये टूट चुका है, ठीक है। इसमें लॉकिंग सिस्टम बेसिकली था ही नहीं, इसको चिपका दिया था जस्ट। तो इसको जब मैं फिर से लगाऊंगा तो फिर से चिपकाना ही पड़ेगा। देख सकते हो, मैं अगर इसको फिर से फिक्स करता हूँ तो ये इस पर फिट नहीं होगा और फिर से ये निकल जाएगा। तो ये देखो, जैसे मैंने इसको लगाया ना, तो अब इसको निकालने के लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, जस्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर लगाऊंगा ये अपने आप निकल जाएगा। तो इसको फिर से मुझे चिपकाना पड़ेगा अगर मैं इसको फिर से बंद करता हूँ। तो अभी बात करते हैं आगे। तो ये दूसरा वाला पार्ट जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर बाहर आ जाएगा, और फिलहाल हमारा यहाँ पर मेन फ्रेम बाहर आ चुका है। तो ये है एल्यूमिनियम से बना फ्रेम, तो इसको मैं फिलहाल साइड में रखता हूँ, इसमें कुछ है नहीं दिखाने लायक। और यहाँ पर बात करते हैं अभी मेन हमारे लाइट के बारे में। तो यहाँ पर जो है आपको मेन लाइट पैनल देखने को मिलता है, जो कि आप इसको कोब लाइट बोल सकते हो। तो यहाँ पर एक एक्रेलिक की शीट दी गई है जो कि ट्रांसपेरेंट है, और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको मेन हमारी कोब लाइट यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर ऑन करके दिखाता हूँ मैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो एक छोटी सी बैटरी लगी हुई है, जिसका कनेक्शन कैसे किया है समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक ये पूरा बाहर ही आ जाएगा, मैं इसको निकाल ही देता हूँ एक ही बार में। तो कुछ इस तरीके से इसको काफी सावधानी से निकालना पड़ेगा। तो यार हमारे यहाँ पर पूरा सर्किट बाहर आ चुका है। और अभी बात करें इस केस के बारे में, तो यहाँ पर जैसे तो पीछे साइड में जो प्लास्टिक का पूरा यहाँ पर है पीस है, तो यहाँ पर एक मैग्नेट लगा हुआ है जहाँ पर एक छोटा सा स्क्रू टाइप में निकला हुआ है, लेकिन ये क्या है पता नहीं, लेकिन ये मैग्नेट है फिलहाल, बाकी कुछ है नहीं इसमें दिखाने लायक। तो इसको भी मैं रखता हूँ साइड में। और अब आते हैं ये वाले हमारे मेन कंपोनेंट पे, जो कि यार यहाँ पर एक सर्किट है, और यहाँ पर आपको एक बैटरी देखने को मिलती है, एक कोब लाइट है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर हर एक पार्ट का जो है यहाँ पर ब्रेकडाउन करते हैं। तो फिलहाल आपको जो है यहाँ पर एक टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी मदद से हम इसको चार्ज कर पाते हैं। और यहाँ पर दो LED दी गई है, जिसकी मदद से आपको जो है यहाँ पर पता चलता है कि बैटरी चार्ज है कि नहीं चार्ज है। और यहाँ पर जो है बैटरी को डायरेक्ट इसके ऊपर यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया गया, जो बैटरी को दोनों पोर्ट होता है ना, इसको डायरेक्टली इसके ऊपर जो है सोल्डरिंग कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो है एक चार्जिंग IC देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो आपको एक स्विच देखने को मिलता है, जिसकी मदद से जो है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस इतना ही था इसके अंदर, और बाकी तो कुछ है ही नहीं दिखाने लायक। और इस बैटरी के मतलब ऊपर कुछ इसकी डिटेलिंग नहीं दिखी गई है कि ये कितने AMH का है। तो फिलहाल मैं इसके टेप को निकाल के चेक करता हूँ, तो भाई साहब यहाँ पे भी कुछ लिखा गया नहीं है, बाकी कुछ दिख तो नहीं रहा है मुझे। तो बस इतना ही था इसके अंदर यार, बाकी कुछ है नहीं। और फिर से एक बार ऑन करके देखते हैं कि ये चालू हो रहा है कि नहीं। तो यस, ये अभी भी वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें और कुछ दिखाने लायक तो है नहीं, तो चलो अभी मैं इसको जो है फिर से इसको अच्छी तरीके से पैक कर देता हूँ। अब मैंने इस लाइट को जो है फिर से असेंबल कर दिया है, और अब जो है पूरा पहले के जैसे हो चुका है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देख सकते हो, अभी देखते हैं इसकी टेस्टिंग करके कि ये ऑन होता है कि नहीं। तो यस, ये ऑन हो रहा है, और इसका चार्जिंग टेस्ट भी हम कर लेते हैं इसी टाइम पे, ताकि यार बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर देख सकते हो, इसको भी मैं चार्ज करके दिखाता हूँ आपको। तो यस, ये अभी भी चार्ज हो रहा है, मतलब कि ये हमारा लाइट पूरा अच्छी तरीके से सेफ है।
और फ्रेंड्स अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो इसकी बेस्ट बाय लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको कमेंट में भी देखने को मिल जाएगा, तो एक बार से जरूर चेकआउट करना। और वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।